नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। मैं आज आपको कमर दर्द से संबंधित किस प्रकार के योगी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। कमर दर्द में हम विशेष रूप से जिन रोगों को लेंगे वो है हमारे लिए स्लिप डिस्क, साथ में स्लिप डिस्क के साथ साथ हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबेगो साइटिका पेन, या कोई भी सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस हो, कोई लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो, या आपको फिर भी लंबर रेडिकुलोपेथी की प्रॉब्लम हो, तो आपको कैसे योगिक आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इसमें कई सारे थेरापीटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना होता है, लेकिन आज मैं आपको दो योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको फिर दो योगिक क्रिया का अभ्यास बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको दो अलग थेरापीटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगा। आज जिन दो योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताने जा रहा हूँ वो दो योगिक आसन है। उसमें हम पहला आसन करेंगे राजा रानी आसन का अभ्यास और दूसरा सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास, जो कि आपको इन दर्द में विशेष रूप से कर विशेष रूप से आप उस कमर दर्द को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उनकी रोकथाम, बचाव, निवारण और नियंत्रण कर सकते हो। तो अब हम करने जा रहे हैं पहला आसन राजा रानी आसन का अभ्यास, जो कि हम लेट कर करेंगे। आप आराम पूर्वक स्थिति में आप इस प्रकार से लेट जाएंगे, लेटकर शरीर को पूर्ण रूप से हल्का छोड़ देंगे, शरीर में कोई आपको खिंचावट, तनाव, दबाव की स्थिति नहीं रखेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को आप घुटनों से इस प्रकार से मोड़ लेंगे, घुटनों में पंचों में अंतर रखेंगे, हाथों को इस प्रकार से कंधों की सीध में फैला लो, और अब उसके बाद आप पैर एक तरफ करेंगे तो सिर को दूसरी तरफ करेंगे, और ऐसे बदल बदल कर आसन का अभ्यास दोनों तरफ से करना है। पैर एक तरफ, सिर को दूसरी तरफ, और आंख से इस प्रकार से अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे। बदल बदल कर आपको आसन का अभ्यास करना है। आप गिनकर इसको 3 से 5 बार आहिस्ता आहिस्ता बिना झटका लगाए हुए स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ आप इस आसन का अभ्यास करना। इसे कहते हैं राजा रानी आसन का अभ्यास, मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक योगिक क्रिया का अभ्यास। अश्वासन का अभ्यास कहते हैं कि घोड़ा कैसे शारीरिक थकावट को मिटाने के लिए लोट पोट करता है, या जिस उसी प्रकार से हमको शरीर की सारी डिटॉक्स, रिफाइंड, रिजुवनेट करने के लिए आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद फिर से दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे। अब इसी क्रिया का आपको दूसरा आसन करना है कि फिर से दोनों पैरों को आप घुटनों से मोड़ लीजिएगा, और अब की बार आप दोनों पैरों को घुटनों को आपस में मिला लें। पहले आपने क्या किया था कि दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखकर आसन का अभ्यास किया था, अब दोनों पैरों को घुटनों को टखनों को पिंडलियों को आपस में मिला लेंगे। हाथ फिर से वही कंधों की सीध में रखेंगे और फिर से वही पहले की तरफ पैर एक तरफ करेंगे और फिर से सिर को दूसरी तरफ करेंगे। बदल बदल कर अपनी गिनकर आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे कि जिस प्रकार से पानी से भीगे हुए कपड़े में से पानी को निचोड़ कर बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार की क्रिया का अभ्यास आपको करना है। पैर एक तरफ, सिर को दूसरी तरफ, और आंख से हथेली को देखने की कोशिश करेंगे। बस दोनों पैरों को फिर से सामने की तरफ फैलाकर स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ आसन का अभ्यास करना है। अब इसी प्रकार से हम इसी का एक बहुत और अगला महत्वपूर्ण आसन करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास। और इस आसन को हमेशा राइट लेग से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि आपका लीवर भी और आपका असेंडिंग कॉलन राइट साइड से ही आरंभ होता है। राइट लेग को इस प्रकार से घुटनों से मोड़कर पेट को दबाएंगे, हाथों का ग्रिप्स बनाकर पेट को दबाने की कोशिश करें, गर्दन को आगे की तरफ उठाकर नाक को घुटनों को लगाएं, तो दूसरा पैर भी ऊपर उठाकर पंजे नीचे की तरफ खींचकर रोकने की कोशिश करेंगे। आपको अगर फैटी लीवर भी डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन है, आपको एल्कोहलिक लीवर है, सिरोसिस ऑफ दी लीवर की प्रॉब्लम्स है, तो इस आसन का अभ्यास करना है, सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में रुके रहना है, सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास बस, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिना झटका लगाए हुए गर्दन को फिर से अपने सामान्य स्थिति में लाएंगे, दूसरे पैर को नॉर्मल करकर पैर को इस प्रकार से सामने की तरफ फैलाकर रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे कि बाएं पैर को फिर से घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों का ग्रिप्स बनाकर पेट को दबाएंगे, आगे से सिर को उठाकर नाक को घुटनों को लगाएं,
तो दूसरा पैर भी ऊपर उठाकर पंजे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जिनको स्प्लिनोमेगली की प्रॉब्लम्स है, जिनको डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम्स है, तो आसन का अभ्यास करना है सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लैप लॉक पोस्चर का अभ्यास, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिना झटका लगाए गए गर्दन को फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लाएंगे। दूसरे पैर को इस प्रकार से लेकर आकर फिर से सामने की तरफ फैलाकर आपको रिलैक्स हो जाना है। और अब इसका फाइनल पोजीशन करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ आपस में मिला लेंगे, पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों का ग्रिप्स बनाकर पेट को दबाएंगे, आगे से सिर को उठाकर नाक को घुटनों को लगाकर पंजे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप रोक एंड रोल कर सकते हो तो इस प्रकार से रोकिंग क्रिया का अभ्यास करेंगे, तो इसी प्रकार से इसी को रोल भी करने की कोशिश करेंगे। अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट रोक एंड रोलिंग क्रिया का अभ्यास। फीमेल जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीजेज है, जिन्हें किडनी में स्टोन है, जिन्हें किडनी में सिस्ट रहती हो, तो इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। बस दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर आपको अब फिर से रिलैक्स हो जाना है और शवासन की स्थिति में रुक जाना है। और अब उसके बाद फिर से हम कल दो योगी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।